हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास टेन सब्जेक्ट साइंस व्हिच इज चैप्टर नंबर टेन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लैक्शन सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई विल कवर द पार्ट रिफ्लेक्शन सो द चैप्टर नेम इज़ लाइट सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट सो स्टूडेंट्स वी आर ऑल फेमिलर विद द लाइट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस क्योंकि हमें सभी को पता है कि लाइट कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए लाइट एक ऐसा सोर्स है जिसके बिना हमें कुछ भी नहीं दिखेगा मींस की विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी कलरफुल थिंग्स मतलब सभी हमारे लिए क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा सो लेट सी हाउ वी कैन डिफाइन सच एन इम्पॉर्टेंट सोर्स कैसे हम लाइट को डिफाइन करेंगे वो देखते हैं तो लाइट स्टूडेंट्स होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी जो हमें देखने के लिए हमारे चारों तरफ देखने में हेल्प करता है तो ये लाइट क्या होता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम देख पाते हैं नाउ क्लास टेन में हम जो डेफिनेशन लिखेंगे लाइट की वो लिखेंगे कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रो वेव्स अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं इलेक्ट्रो वेव्स वो होती हैं वो वेव्स जो ट्रैवल कर सकती हैं किसी भी मीडियम से या फिर वैक्यूम से मीडियम में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा जैसे मीडियम में आ जाएगा एयर वाटर या ग्लास मतलब कोई भी सरफेस है या कोई भी मीडियम है वहाँ से कुछ वेव्स ट्रैवल कर सकें राइट right, वो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो लाइट क्या होगा वी कैन दैट दैट इट इज एन कैन थ्रू एनी मीडियम एज एज वेल थ्रू तो ये थी डेफिनेशन ऑफ लाइट अब पढ़ते हैं हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें दिया एनसीआर में वो है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन लाइट और नॉट मतलब कि जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ऑब्जेक्ट्स कि, कितनी तरह के होते हैं ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी अपनी लाइट होती है जैसे सन सन की क्या होती है स्टूडेंट अपनी लाइट होती है ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट की भी क्या होती है अपनी ही लाइट होती है बल्ब बल्ब की क्या होती है अपनी लाइट होती है तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं तो कैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है दे आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट वी कैन सी दम

ऑब्जेक्ट जैसे ट्यूबलाइट है ट्यूबलाइट में भी तो लाइट होती है उसमें अंदर क्या होता है जैसे बल्ब का एग्जांपल लेते हैं उसमें फिलामेंट्स रहता है जिसकी हेल्प से हमें जब हम स्विच ऑन करते हैं हमें क्या दिखता है लाइट दिखता है नेचुरली नहीं है बट है तो ल्यूमिनस अपनी लाइट है उसकी राइट सेकेंड कैटेगरी होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे फर्नीचर हो गया वॉल्स हो गया इनकी अपनी लाइट थोड़ी है मून हो गया इनकी अपनी लाइट नहीं है देन दे आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट सो इफ देयर इज नो लाइट वी कैन नॉट सी देम अगर लाइट नहीं होगी तो हम नहीं देख पाएंगे To see, we need luminous object. इने देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? Luminous object की जरूरत पड़ती पड़ती है? है, right? की उनके चारों तरफ luminous object होगा, तभी तो हम को 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 देख 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 पाते मून को देख पाते पाते हैं, हैं, हैं। इनकी अपनी लाइट नहीं है पर फिर भी हम इन्हें देख पाते हैं कि इनकी हेल्प से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ओके okay? तो ये था हमारा कंसेप्ट ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस का अब स्टूडेंट्स जो लाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सर्फिस के ऊपर फॉल होती है यानी कि अलग अलग सर्फेस पे लाइट पड़ती है अब एक ही सर्फेस थोड़ी ना होता है तो हम इनको देखेंगे कि कौन से सर्फेस पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है तो यहाँ पर जो हमें दिया है फर्स्ट लाइट फॉलिंग ऑन सर्फेस जब लाइट किसी एक सर्फेस पर डलती है सो so, स्टूडेंट्स ये है सपोज एक सर्फेस ए बी सी डी मैंने इसको नाम दे दिया और यहाँ पर अगर मैं लाइट इसके ऊपर फॉल करती हूँ यहाँ सपोज यहाँ से लाइट फॉल हो रही है सर्फेस के ऊपर इस पॉइंट पर राइट तो क्या होता है अंदर आकर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये सरफेस है जो इसमें ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है क्या हो जाती है स्टूडेंट्स ये लाइट हो जाती है एब्जॉर्ब तो इस इस लाइट के जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो ऐसा हमें कैसा फिर दिखता है वो हमें दिखता है ब्लैक इन कलर राइट right. सारी लाइट को वो क्या कर लेता है अंदर कर लेता। it, it तो हमें कैसा दिखता है ब्लैक कलर और इन अदर वर्ड से वी ब्लैक इज गुड एब्सॉर्वर हम ये भी कह सकते हैं जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्सॉर्वर होता है एंड एमिट भी करता है एमिटर भी होता है लाइट का तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमें कि बताइए कौन सा कलर ऐसा जो गुड एब्जॉर्बर है तो ब्लैक कलर होता है ऐसा राइट सेकेंड वन लाइट फॉल्स सरफेस इट मे पास थ्रू इट अभी हमने देखा कि एब्जॉर्ब कर लिया अब सेकेंड हम केस देख रहे हैं कि ये इसमें से पास करवाएगा लाइट जैसे एक ये सर्फेस है हमारा ओके okay. तो जब इस सर्फेस के ऊपर लाइट को हम फॉल कराते हैं तो ये सर्फेस में से पास हो जाती है लाइट ओके okay. तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे तो इस प्रोसेस को तो कहते हैं ट्रांसमिट प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को ओके okay. जैसे ग्लास है आप यहाँ देख पा रहे हो तो इस ग्लास में से जब मैंने यहाँ पर लाइट डाली तो लाइट थी हंड्रेड परसेंट हमारी एट्टी परसेंट तो पास ही हो जाती है इसमें से राइट जब हम लाइट डालते हैं सरफेस पे तो पास हो गई सेकंड है यहाँ पर जैसे हमने ग्लास की बात की थी और जो सेकंड हमारा है है वो ग्लास की बट टेंटेड ग्लास है यानी कि इसके ऊपर कुछ फिल्म टाइप लगी हुई है तो टिंटेड ग्लास में से फोर्टी परसेंट लाइट फॉल हो जाएगी पूरी पूरी लाइट नहीं फॉल होगी उसके अंदर से पास होगी फोर्टी परसेंट उसमें से पास हो जाएगी तो ये था हमारा कि जब ट्रांस इस प्रोसेस को ट्रांसमिट प्रोसेस बोलते हैं और जब लाइट फॉल होती है कहाँ पर एक ग्लास के ऊपर और वो ग्लास क्या हो जाता है लाइट को जो रेज उसके ऊपर डल रही हैं वो रेज उसमें से क्या हो जाती है पास हो जाती हैं अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट केस है हमारा जब लाइट फॉल करते हैं हम एक सर्फेस पे सपोज यहाँ एक सर्फिस है लाइट हमने इसके ऊपर फॉल की ये यह यहाँ पर टकरा के बाउंस बैक हो जाती है ओके okay. तो यहाँ पर ये यह टकरा के क्या हो रही है बाउंस बैक हो रही है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन जो इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं तो लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस मे स्ट्राइक द सरफेस एंड बाउंस बैक एंड दिस स्ट्राइकिंग एंड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन जैसे मिरर के अंदर हम क्या करते हैं मिरर के अंदर जब हम देखते हैं तो लाइट यहाँ पर पड़ती है और बाउंस बैक हो जाती है तो इसके अंदर हमें अपनी इमेज दिखती है ओके okay, जैसे मैन है अपनी इमेज को देख पा रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ओके okay, अब स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन को अगर हमें बोलें कि आपने ये तो देख लिया कि रिफ्लेक्शन क्या है अगर आपको डेफिनेशन आ जाए रिफ्लेक्शन की तो आप कैसे डिफाइन करेंगे तो रिफ्लेक्शन आप डायग्राम से देखिए तो रिफ्लेक्शन होता क्या है स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जैसे यहाँ से लाइट आ रही है और इस सर्फिस पे पड़ रही है और इस सर्फिस पे पड़ने के बाद ये बाउंस बैक हो रही है लाइट आई बाउंस बैक हो गई तो कैसे डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस तो ये थी डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन अब स्टूडेंट्स कुछ कैरेक्टर्सिस्टिक्स होती हैं बेस्ट डिफ्रెక్టర్ की यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टर कौन सा ऐसा सरफ़ेस होता है जहाँ से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी होती है तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर तीन केसेस को बताया गया है पहला शाइनी सरफ़ेस होना चाहिए सेकंड पॉलिश सरफ़ेस हो थर्ड स्मूथ सरफ़ेस हो तो तीनों सरफ़ेस अगर होते हैं तो वो बेस्ट रिफ्लेक्टर बोले जाते हैं यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं शाइनी पॉलिश एंड स्मूथ राइट अब स्टूडेंट जो सिल्वर मेटल होता है सिल्वर मेटल होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है यहाँ पे वन मार्क क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन सा मेटल होता है जो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता, होता है होता सिल्वर मेटल क्यों होता है क्योंकि ये फुलफिल करता है ऑल अब डिस्कस्ड फीचर्स ये सभी फीचर्स सिल्वर में होते हैं तो ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर अब क्योंकि हम इस चैप्टर में डिटेल में आगे जाएंगे रिफ्लेक्शन के बारे में रिफ्लेक्शन के बारे में तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होंगे यहाँ पर तो उन टर्म्स को हम स्टूडेंट समझेंगे वो टर्म्स कौन कौन से यूज होंगे अब जैसे मैं बता रही थी आपको कि सपोज ये एक सरफेस है सपोज ये एक प्लेन मिरर है यहाँ से मैंने लाइट को क्या किया फॉल किया लाइट हो गई बाउंस बैक राइट लाइट क्या हो गई स्टूडेंट्स बाउंस बैक हो गई तो जब इसने लाइट को यहाँ पे फॉल किया था तो इस वाली रे को कहते हैं इंसिडेंट रे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट रे को कैसे डिफाइन किया इट इज़ अ रे दैट स्ट्राइक्स ऑन द सर्फेस जो सर्फेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी ओके इंसिडेंट रे होगा और जब स्ट्राइक करेगी और बाउंस बैक हो जाएगी तो वो रे होती है रिफ्लेक्टेड

अब जैसे हमने देख देख लिया इंसिडेंट रे देख लिया रिफ्लेक्टेड रे देख लिया ये प्लेन है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है अब आप देखिए स्टूडेंट्स जो ये यह यहाँ पर हम एक बीच में प्रोपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर ये ये प्रोपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉ किया इसको बोलते हैं नॉर्मल क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको नॉर्मल राइट right? तो जो नॉर्मल होता है इंसिडेंट रे होता है रिफ्लेक्टेड रे होता है ये एक ही प्लेन पर लाई करता है ओके okay? अब जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये इंसिडेंट रे है राइट right? ये नॉर्मल है इसके बीच में एंगल बन रहा है इसको आई से डिनोट किया जाता है इसको एंगल आई बोला जाता है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको आर से डिनोट किया जाता है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके अब प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है अभी अभी मैंने बताया प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर एक ही प्लेन पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे रे लाई करती है एक ही प्लेन के ऊपर तो उसे बोला जाता है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन आई होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है ये टर्म्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स को अपने अच्छे से समझना है रटना नहीं है इसको अच्छे से समझना है याद करना है आप यहाँ डाइग्राम में देखिए दोबारा मैं आपको एक बार बता देती हूँ वन इज द इंसिडेंट रे जो टकराती है सरफेस पे बाउंस बैक हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर एक प्रिपेंडिकुलर नाइन्टी डिग्री का एंगल डाला जाता है दिस वन इज द नॉर्मल राइट और इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल क्या होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में पड़ता है एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में पड़ता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन राइट तो नेक्स्ट कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है रिफ्लेक्शन को हमने समझ लिया उसके कंसेप्ट को समझ लिया तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ दिए गए हैं पहला लॉ पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन एक ही प्लेन पे लाई करती है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तो हमने पढ़ भी लिया है सेकेंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये हमेशा होता है बराबर दिस वन इज द सेकेंड लॉ लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये था हमारा सेकेंड लॉ अब यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट लाइट हमें किन किन तरह के सोर्सेज से मिल सकती है तो पहला है पॉइंट सोर्स दूसरा है फाइनाइट सोर्स पॉइंट सोर्स यानी बहुत ही स्मॉल साइज का कोई सोर्स होगा जो लाइट को क्या करेगा ट्रांसमिट करेगा तो पॉइंट सोर्स हो जाएगा दीज आर दो सोर्सेज दैट आर टू स्मॉल इन साइज ओके और फाइनाइट सोर्सेज क्या होंगे स्टूडेंट्स जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कैंडल है ये कैंडल है इसकी कुछ सर्टेन लेंथ है राइट right? हाइट है इसकी कुछ ओके okay. तो इसका जो फाइनाइट सोर्स क्या होता है जिसकी कुछ हाइट होती है राइट right? कुछ हमें लेंथ होती है यानी कि हमें दिखता है ये पॉइंट साइज नहीं होता है तो ये फ़ाइनाइट सोर्स की कैटेगरी में आता है लाइट सोर्स कैसा हो गया यहाँ पर फाइनाइट जैसे ये लाइट इसकी कैंडल की लाइट इस प्लेन मिरर के किसी भी एक सर्फेस पे पड़ी तो ये बाउंस बैक हो गई और हमें फिर दिखने लग गई राइट right? तो ये है हमारी आ, ये आई है आई से हम क्या ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो इस तरह के सोर्सेज को बोला जाता है फाइनाइट सोर्सेज तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज कवर किए हैं